स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 63 एंड द चैप्टर 63 इज बैंकिंग. ओके, समटाइम्स यू माइट हियर योर मॉम एंड डैड टॉकिंग अबाउट मनी एंड बैंकिंग एंड द वर्ड्स दे यूज, यू आर नॉट श्योर व्हाट दे मीन. कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपके मामा ने या पापा ने मनी के बारे में या बैंक के बारे में कुछ बातें की होंगी आपस में, और जो वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए होंगे शायद आपको समझ में नहीं आए होंगे या आप श्योर नहीं होंगे कि उनका मतलब क्या है. तो चलिए देखते हैं और सीखते हैं उनमें से कुछ वर्ड्स का मतलब. मनी, मनी इज समथिंग दैट लेट्स अस बाय थिंग्स वी वॉन्ट. मनी कुछ ऐसी चीज़ है जो हम जो चाहते हैं उससे खरीद सकते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स. ये कॉइन्स और नोट से बने होते हैं, राइट? बैंक, बैंक इज अ प्लेस. बैंक वो जगह है दैट लुक्स आफ्टर पीपल्स मनी एंड कीप्स इट सेफ, जो लोगों के पैसों का ध्यान रखता है और इसे सेफ भी रखता है. नेक्स्ट वी हैव बजट. बजट इज अ प्लान ऑन हाउ यू विल स्पेंड द मनी यू अर्न. बजट एक प्लान होता है कि कैसे हम जो हम मनी कमाते हैं, अर्न करते हैं, उसे खर्च करेंगे. फोर्थ नंबर पर हमारे पास है सेविंग. सेविंग का मतलब होता है कि नॉट स्पेंडिंग योर होल मनी. अपना पूरा मनी आपने खर्च नहीं करना है, बट पुटिंग इट अवे सो यू कैन स्पेंड इट लेटर. उसमें से थोड़ा सा आपने अलग रखना है जिसे आप बाद में कभी खर्च कर सकें जब आपको ज़रूरत हो. फिफ्थ नंबर पर है बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट एक रिकॉर्ड होता है कि योर बैंक कीप्स टू नो हाउ मच मनी यू हैव गिवन देम, जिसमें आपका बैंक एक रिकॉर्ड रखता है ये जानने के लिए कि आपका कितना पैसा बैंक में है, कितना आपने निकाला है, राइट? चलिए सिक्स नंबर पर है इंटरेस्ट. इंटरेस्ट एक तरह का रिवॉर्ड है आपके लिए फॉर यू नॉट स्पेंडिंग योर मनी. अपना पैसा खर्च ना करने का रिवॉर्ड है ये. इट इज़ द अमाउंट दैट द बैंक पेज यू. ये एक वो अमाउंट है जो बैंक आपको देता है फॉर लेटिंग देम लुक आफ्टर योर मनी, उन्हें अपने पैसे का ध्यान रखने देने के लिए. जब आप अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, और इस तरह से ये एक रिवॉर्ड होता है आपके लिए बैंक की तरफ से कि आपने उनके बैंक में अपने मनी को डिपॉजिट कराया, राइट? चलिए आगे चलते हैं. नंबर सेवन पर हम देखेंगे डिपॉजिट. डिपॉजिट क्या है? डिपॉजिट वो पैसे हैं दैट यू पुट इनटू योर बैंक अकाउंट, जो आप अपने बैंक अकाउंट में डलवाते हैं, रखते हैं. योर अकाउंट बैलेंस गोज अप. और जब आप डिपॉजिट करते हैं अपने बैंक अकाउंट में कुछ मनी तो आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो बढ़ता है बिकॉज उसमें और पैसे आ गए, राइट? अगर आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपीज़ हैं और आपने 5,000 और डिपॉजिट कराए तो कितना हो गया? 15,000 हो गया ना. तो आपका अकाउंट बैलेंस अप होता है. अ विथड्रॉवल. विड्रॉल जो होता है इज़ व्हेन यू टेक मनी आउट ऑफ योर बैंक अकाउंट. जब आप अपने बैंक अकाउंट में से कुछ पैसा निकालते हैं उसे कहते हैं विड्रॉल. योर अकाउंट बैलेंसेस गोज डाउन. आपके जो अकाउंट बैलेंस हैं वो नीचे चले जाते हैं. अब आपने 15,000 में से अगर 5,000 निकाल लिए, विड्रॉल कर लिए, तो अब कितने रह गए? 10,000. तो अकाउंट बैलेंस नीचे चला गया. नाइन नंबर पर देखेंगे एन अकाउंट बैलेंस. अब अकाउंट बैलेंस क्या होता है? इज़ द अमाउंट ऑफ योर मनी द बैंक इज़ होल्डिंग. ये वो आपके मनी का अमाउंट है जो बैंक होल्ड कर रहा है, जो बैंक के पास रखा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू स्टार्ट योर अकाउंट विद ₹10 एंड डिपॉजिट और एड ₹5, आपका अकाउंट आपने ₹10 से शुरू किया और उसमें ₹5 आपने ऐड करे तो आपका बैलेंस हो गया 15. एंड इफ़ यू देन विड्रॉ और टेक आउट, ₹3 आप उसमें से निकाल लें तो आपका बैलेंस हो जाएगा ₹12. ओके, बिकॉज
15 में से जब 3 माइनस करते हैं तो वी हैव 12, तो आपका हो जाएगा ये 12 रुपीज। सो ये है आपका अकाउंट बैलेंस। ओके, आगे चलते हैं, नंबर 10 पे है लोन। लोन वो पैसा है दैट इज गिवन टू यू, जो आपको दिया जाता है इन एक्सचेंज फॉर अ प्रॉमिस दैट यू विल पे इट ऑल बैक। इन एक्सचेंज, प्रॉमिस के एक्सचेंज में कि आप ये सारा वापस कर देंगे, प्लस एन एडिशनल चार्ज कॉल्ड इंटरेस्ट, और इस पर एक कुछ एडिशनल चार्ज भी बैंक लगाता है और उसे कहते हैं इंटरेस्ट। अब उसकी परसेंटेज होती है, राइट, और उस हिसाब से लोन को चुकाया जाता है। सो इट इज नेवर टू अर्ली टू नो दैट बीइंग स्मार्ट अबाउट मनी एंड सेविंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। तो हमेशा ये समझना चाहिए, एंड इट इज नेवर टू अर्ली टू नो, और ऐसा नहीं है कि बहुत देर हो गई है या आप बहुत जल्दी ये चीज़ जान रहे हैं। जितनी जल्दी से जल्दी आप जाने उतना अच्छा है आपके लिए, कि अपने पैसे के बारे में आपको स्मार्ट हो जाना चाहिए, उसे सेव करना चाहिए, और सेविंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। लाइफ में हमें हमेशा जो भी हमारी अर्निंग्स हैं उन्हें सबको खर्च नहीं कर देना चाहिए, थोड़ा सा सेव करके रखें आप अपनी इमरजेंसी टाइम के लिए, या जब आप खर्च करना चाहें तब के लिए, राइट। सो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।